हे गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो नेचर हैक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट और शेयर करें। वेलकम टू आवर चैनल नेचर हैक्स। आज हम सीखेंगे कि हमें पॉट में धनिया को कैसे ग्रो करना है घर में ही। तो उसके लिए मैंने देखिए साबुत धनिया लिया हुआ है और इसको हमें ऐसे ही नहीं करना है, हमें इसको बीच में से थोड़ा थोड़ा सा हमें इसका पार्टीशन करना होगा जिससे कि अच्छे से ग्रो कर सके। तो उसके दो तरीके हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगी। आप चाहें तो इसकी ओखली में भी आप तो इसको कूट सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मल आप एक प्लेन सरफेस लीजिए, कुछ नहीं करना आपको, उसमें ऐसे ऐसे दबा दबा के भीजना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ मिनट्स लगेंगे बस ऐसे दबा दबा के। जैसे कि ओपन हो गए हैं, अब मैं आपको इसमें भी कूट के दिखाती हूँ। ये भी हो चुके हैं, अब हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ओपन होने चाहिए। अब हम चलते हैं इनको पॉट में सीडलिंग के लिए। तो ये पॉट हमने ले लिया है, ये थर्मोकॉल का एक ब्लॉक है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं पॉट के लिए। नॉर्मल पॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक के भी, और शू बॉक्स है उससे भी आप पॉट को क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक कवर लगा के। तो इसको हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें धनिया डालेंगे इस तरह से। हमें इस तरह से डालना है कि पूरी जगह को कवर कर ले, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इसके ऊपर मिट्टी डालनी है, इसको पूरा कवर करना है। ये जो मैं मिट्टी यूज कर रही हूँ इसमें गोबर की खाद भी मिली हुई है जो इसके लिए बहुत अच्छी है प्लांट्स के लिए। पानी हमें थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ओवर नहीं करना। कुछ दिन बाद का मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए पूरे 18 दिन के बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये धनिया इस तरह से 18 डेज के बाद बनकर तैयार है। तो इसको लगभग अगर पूरी तरह से आपको पूरा अगर आपको
धनिया ग्रो चाहिए तो उसके लिए 30 डेज़ का यानी कि 30 दिनों का आपको इंतज़ार करना होगा, तो तभी आप इसको हार्वेस्ट कर पाएंगे। इसको इस तरह से यहाँ से ये वाला जो इसका पोर्शन है यहाँ से ही कट करना होगा, और फिर ये आपको फिर भी उसके बाद भी देता रहेगा धनिया। उसके बाद इसमें फूल भी लगता है, फूल में उसी तरह का बीज बनता है जिस तरह से हमने इसमें धनिया ग्रो किया था, सूखा धनिया। ये देखिए ये भी और घना होगा, और जब आप इसको काटते हैं जब इसको यूज़ करने के लिए उसके बाद भी इसमें धनिया आते रहते हैं, काफ़ी टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं धनिए को, धनिए के प्लांट काफ़ी टाइम तक यूज़ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर करें और लाइक करें।